अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैकब्रेस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं एवरी पार्टी मेकअप लुक, स्पेशली बिगनर्स के लिए और मेरी हाउसवाइफ बहनों के लिए, जो अपने घर के अंदर बैठ के अपना मेकअप आराम से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लाइट ब्राउन कलर से आई को कॉन्टोर करना है, ठीक है, विजिट करना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको आगे लेते जाना है, उसको ब्लेंड आउट करना है। सेकंड आई को भी इसी तरह हमने कॉन्टोर करना है लाइट ब्राउन शेड से। ट्रांजिशन शेड को हमने पहले अप्लाई करना होगा, स्पेशली मैं ये बिगनर्स के लिए, ये एवरी पार्टी मेकअप लुक है जो बहुत आसानी से हो जाता है और क्विकली हो जाता है। फिर हमने इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन उठाना है, फिर इसको भी हमने डिपॉजिट करना है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड आउट करते जाना है, ठीक है। सेकेंड आई पे भी हम यही करेंगे। ट्रांजिशन शेड के बाद फिर हम इसको, जो हमने कॉन्टोर लाइन बनाई है, इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। पहले हमने लाइट ब्राउन उठाया था, फिर उससे डार्क ब्राउन उठाया है, फिर उसके बाद चॉकलेट ब्राउन कलर और उससे ज़्यादा डार्क हम उठाएंगे और यहाँ डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत क्विक और बहुत खूबसूरत आई मेकअप लुक होता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड आई पे करेंगे। थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेंगे ताकि हमारा जो कलर है फॉल आउट ना हो और उसको हमें डस्ट ऑफ ना करना पड़े और हमारा काम क्विकली होता चला जाए। ये देखें, फिर हमने इसको क्या करना है, लाइट ब्राउन या गोल्डन आप लेना चाहें गोल्डन ले लें, इसी का ये हमने सेंटर में इसको रखना होगा। ये एवरीडे पार्टी मेकअप लुक क्विक हो जाने वाला, ठीक है। इस तरह आपने देख रहे होंगे आप, ठीक है। फिर हमने आईलाइनर की एप्लीकेशन करनी है, वही एक्वा से मैं कर रही हूँ आईलाइनर की एप्लीकेशन, एक्वा क्विक लाइनर से कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उससे कर लीजिए। आप चौड़ा लगाना चाहें चौड़ा लगा लें, थिन लगाना चाहें थिन लगा लें, विल लगाना चाहें विल लगा लें। इसी तरह सेकंड आई पर विन को हमने, और ऐसे आपने ब्लेंडेड लुक दे देना कंसीलर से, ठीक है। और इसको भी तो वो बड़ा ब्लेंडेड सा खूबसूरत सा नजर आएगा।
हमने आईलाइनर की एप्लीकेशन करने के बाद फिर हम इसमें इसको हम लगाएंगे वाइट काजल पेंसिल, जो वाटर लाइन की जो कलर की है, ये देखिए ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। अब चूंकि ये डमी है ना, तो शायद इतना फील ना आ रहा हो, इसीलिए मैं ब्लैक काजल लगाती हूँ कि आप लोग को सही से विजिबल हो जाए। मतलब चूंकि आजकल जो वाइट काजल का फैशन है, तो मैंने कहा चलो वाइट काजल वो भी मैं दिखा दूँ। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे ब्राउन पेंसिल से लोअर लिड पे, ये देखिए ब्राउन पेंसिल से हम करेंगे, ये ब्राउन से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। आप चाहे इसके टेल डक को भी फिलअप कर सकते हैं। फिर हम ब्राउन कलर से करेंगे इसको स्मच, ये देखिए जो हमने ब्राउन पेंसिल लगाई थी इसको हम करेंगे स्मच ब्लेंड आउट। ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा एलिगेंट सा, आप एवरी पार्टी में आप इसको इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए नजर आ रहा होगा आप लोग को। फिर हम इसकी टेल डक को करेंगे हाईलाइट, हाईलाइट कर देंगे, तो ये बड़ा इनोसेंट सा लगेगा आपका ये मेकअप एवरी पार्टी मेकअप लुक। ये देखिए फिर हम इसकी ब्रोबन को हाईलाइट करेंगे, तो बड़ा ये इनोसेंट सा और क्विकली ये मेकअप आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे लैशेस की एप्लीकेशन। सेकंड आई पे भी करते हैं जी। वे वैसे ये देखिए हमने लैशेस लगा ली हैं, और अब हम करेंगे नोज कॉन्टोर। और ये हमारे नोज कॉन्टोर तो कंपलसरी है व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप हाफ लीड पर कॉर्नर से भी आई लैशेज लगा सकते हैं आप, मगर मैं चूंकि डमी पे काम कर रही हूँ तो मैंने फुल लैशेज लगाई हैं। अगर आप इसको बहुत क्रिएटिविटी देंगे तो हाफ़ लैशेज पे, हाफ आई लिड पे लैशेज आप लगा सकते हैं, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत दिखेगी। अब हम नोज कॉन्टोर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे हाईलाइट नोज को, बता देंगे ये एवरी पार्टी मेकअप लुक मैंने किया है आपके सामने, और बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत, आप हर पार्टी में ये मेकअप आप वेयर कर सकते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत इजी भी है, बहुत क्विक भी है, और आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मेकअप। ये देखिए एवरी पार्टी मेकअप लुक। तो ये था मेरा आज का मेकअप लुक, एवरी पार्टी मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत, मैं ब्लेस से अल्लाह हाफिज़।